गुड इवनिंग फ्रेंड, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने इधर आई के बटन पे लिंक दे दिया है, पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस समय ये क्या कहता है, ये कहता है भाई दो नल हैं ए और बी, किसी टंकी को है ना सेपरेटली 36 मिनट में ए भर सकता है और 48 मिनट में बी भर सकता है, ठीक है। जब ये चल रहे थे दोनों के दोनों नल किसी टंकी के अंदर, तो कुछ टाइम बाद बी नल को बंद कर दिया। जब बी नल को बंद कर दिया तो उस दौरान ए नल तो पानी जो है टंकी में जो है डाल रहा था, तो वो टंकी 27 मिनट में भर जाती है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई जो बी नल है वो कितने टाइम बाद बंद किया गया होगा। देखिए बिल्कुल ईजी है, समझिएगा। ए नल है ना, ए नल की अगर बात करें, एक टंकी को है ना 36 मिनट में भर सकता है। अगर बी नल की बात करें तो वो टंकी को कितने मिनट में भर सकता है फ्रेंड, 48 मिनट में भर सकता है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए, 144 आ जाएगा। तो 36 चौके 144 और 48 दिया 144, ठीक है। तो अब आप समझिएगा, जो ए नल है ना एक मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो 36 मिनट में 144, अगर यहाँ पे मिनट है तो ये मिनट हो जाएगी, घंटे है तो घंटे हो जाएगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। यहाँ पे मिनट होगी तो ये आप ए भी मिनट में ले लेंगे, अदरवाइज घंटों में। भाई ये कहते हैं जो ये एलसीएम लेके आया है ना, एलसीएम कैसे लेना है, 144 को एक बार 36 से डिवाइड करना है आपका 4 आ जाएगा, फिर 144 को आपने 48 से डिवाइड करना है तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए जो ए नल है ना एक घंटे में 4 यूनिट भरता है, ये मिनट है तो फ्रेंड मिनट बोलिए, एक मिनट में 4 यूनिट भरता है तो 36 मिनट में 144 यूनिट भर देगा। ये आपकी टंकी के अंदर टोटल पानी है, कितने यूनिट पानी है टोटल, 144 यूनिट पानी है। अब देखिए पूरे के पूरा टाइम ए नल तो चला है, एक नल एक मिनट के अंदर 4 यूनिट भरता है, यानी कि एक मिनट में ए नल की बात हो रही है 4 यूनिट भरता है, तो ये 27 मिनट में कितनी भर देगा, तो 4 को 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 1 9 10, ठीक है 108 यूनिट हो जाएंगी, क्योंकि 7 चौक 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है भाई। ए नल ने है ना 27 मिनट में 108 यूनिट भर दी, बाकी की जो यूनिट है ना वो बी ने भरी होंगी, बाकी कितनी यूनिट बचगी, टोटल थी 144 यूनिट, 144 में से 108 तो भर दी, तो 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, यानी कि कुल यूनिट अब आपके पास 36 यूनिट बचगी। जो ये 36 यूनिट है ना, ये 36 यूनिट किसने फील करी है फ्रेंड, ये बी नल ने फील करी होंगी, तो 36 बी नल है ना एक मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो 36 यूनिट जो है, जो ये आपकी अब 36 यूनिट आई हैं, देखिए ये वाला कर रहा हूँ मैं, अब जो ये 36 यूनिट आई हैं एक मिनट में 3 यूनिट भरेगा, तो 36 यूनिट 12 मिनट में भर देगा, यानी कि 12 मिनट बाद बी को बंद किया होगा जब आपकी टंकी 27 मिनट में फुल फिल हुई होगी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, बिल्कुल इजी सा सम था, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट सम है, ए एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है 48 मिनट में। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 144 आ जाएगा, 144 बटे 36 करिए आपका 4 आ जाएगा, 144 बटे 48 करिए आपका 3 आ जाएगा, यानी कि एक ए है ना एक मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो 27 मिनट में 108 यूनिट वृद्धि होगी, किसने, ए नल ने। आपके पास टोटल कितनी यूनिट थी, 144, 144 में से जब आप 108 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास टोटल 36 यूनिट बच जाएंगी। जो ये 36 यूनिट है ना ये बी नल से भरी गई हैं, बी नल एक मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो 36 यूनिट कितनी मिनट में भर देगा, 12 मिनट में, इट मींस जो 12 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए 12th सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सम था 11। देखिए 12th सम क्या कहता है, 12th सम कहता है दो नल P एवं Q, दो नल हैं एक P है और एक Q है, दो नल P और Q किसी टंकी को
क्रम से 12 व 16 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो कितने समय में नल पी को बंद करना होगा ताकि टंकी 8 मिनट में भर जाए। देखिए भाई, एक पी है, एक क्यू है। पी को बंद किया है ना, क्यू तो पूरा टाइम चला है, कितने टाइम, 8 मिनट। ठीक है, पहले एलसीएम ले लीजिए। पी 12 मिनट में भर सकता है टंकी को, क्यू 16 मिनट में भर सकता है। ठीक है, क्रम से है ये बिल्कुल। तो 48 एलसीएम आ जाएगा, 12 चौक 48, 16 तीय 48। अब देखो समझना भाई, पी को बंद कर दिया गया था, क्यू तो पूरा टाइम चल रहा है ना, क्यू जो नल है एक मिनट में 3 यूनिट भरता है, एक मिनट में जो क्यू नल है 3 यूनिट भरता है, तो टोटल टंकी 8 मिनट में भरी है ना, तो 8 मिनट में कितनी यूनिट भर देगा, 3 × 8 यानी कि 8 × 3 = 24 यूनिट। अपने पास टोटल यूनिट कितनी थी, 48, 48 में से 24 तो भर दी भाई किसने, क्यू ने, बाकी कितनी बच गई, 24 यूनिट। ये जो 24 यूनिट है ना, ये किसने भरी होंगी, पी ने भरी होंगी ना। तो एक मिनट में पी 4 यूनिट भरता है, तो 24 यूनिट कितने मिनट में भर देगा, 4 × 6 = 24, यानी कि 6 मिनट में, 6 मिनट बाद पी नल को बंद कर दिया होगा, उसके बाद जो आपकी टंकी है ना 8 मिनट में भरी गई है, किसके द्वारा, क्यू नल के द्वारा। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी सम था, टाइप 11th के बिल्कुल इक्वल ही है। देखिए 13th सम पे चलते हैं, बिल्कुल इजी सम है ये। देखिए 13th सम क्या कहता है आपका, बिल्कुल इजी है। यदि दो नल एक साथ काम करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भरता है, एक नल दूसरे की अपेक्षा जलाशय को 5 घंटे तेजी से भरता है। समझना फ्रेंड, मैं दो नल लेता हूं, एक पी ले लेता हूं, एक क्यू ले लेता हूं। अगर मैं कहूं कि भाई पी एक्स घंटे में भर सकता है, तो ये एक्स प्लस 5 घंटे में भर सकता है, क्योंकि देखो ये ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये क्यू नल आपका स्लो है, पी नल कम टाइम ले रहा है क्योंकि इससे 5 घंटे कम है ना, तो ये फास्ट है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है भाई, पी है ना टोटल टंकी को भरता है एक्स घंटों में, ये आर्स हैं आपके, तो एक घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/x, क्या हुआ, एक घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/x + 5, और दोनों मिलके एक घंटे में कितना भाग, पूरी टंकी दोनों 6 घंटे में भरते हैं, एक घंटे में 1/6। फ्रेंड इस टाइप के सम को आप ऑप्शन देख के करिएगा, ऑप्शन में आपका 10 मिलेगा, अगर वो 10, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिलेंगे, इस जो सम है जो 13 है इसका आंसर 10 है। अगर आप x को 10 में रिप्लेस करेंगे तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये 1/6 में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, इट मींस जो आपका x इक्वल टू 10 है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, देन जो इस सम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 होगा। जब दोनों नलों को एक साथ जो है टंकी में खोल दिया जाएगा तो 10 घंटों में जो है तेज चलने वाला नल और 15 घंटों में जो है स्लो चलने वाला नल टंकी को भर देगा। फ्रेंड आई थिंक सो मैं ये सम आपको समझा पाया। देखिए नेक्स्ट सम में चलते हैं, 14th सम में, बिल्कुल इजी सम था ये। देखिए 14th सम क्या कहता है, 14th सम कहता है तीन नल हैं ए बी और सी, किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ए बी सी पूरी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि पूरा भाग, या मैं कह सकता हूं पूरी टंकी, पूरी टंकी को कितने मिनट में भर सकते हैं, एक कह देता हूं क्योंकि एक टंकी होती है ना, एक पूरी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो एक मिनट में कितना भरेंगे, कितना भाग भरेंगे टंकी का, 1/36 पार्ट। आई थिंक सो ये मैं आपको समझा पाया भाई। देखना अगर ए बी सी तीनों मिलके किसी टंकी को, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके हैं,
ए बी सी तीनों मिलके किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं ना, तो ए बी सी तीनों मिलके एक मिनट में कितना भाग भरेंगे टंकी का, 1/36 भाग भरेंगे। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई 12 मिनट तक एक साथ काम करने के बाद, देखो एक मिनट में तीनों मिलके 1/36 भाग भरते हैं, तो 12 मिनट तक तो तीनों चले हैं ना, तो 12 मिनट में कितना भाग भरा होगा, समझिए आप। तो एक मिनट में कितना भाग भरते हैं, 1/36 बात हो रही है तीनों की, A+B+C, ठीक है तीनों की बात हो रही है। तो 12 मिनट में कितना भाग भरा होगा, 12/36 यानी कि 12 + 36 1/3 यानी कि टोटल टंकी में 3 यूनिट पानी है, 1 यूनिट तो तीनों ने भर दिया, तो बच कितने गए, 3 में से 1 गया, 2/3 भाग, यानी कि 2/3 भाग। अब बंद कौन सा नल किया गया था, सी को बंद कर दिया था। जो 2/3 भाग बचा ना, ये 2/3 भाग ए और बी ने दोनों ने मिलके भरा है, ये कितने मिनट में भरा है, 48 मिनट में, ठीक है। यानी कि आप समझिए 2/3 भाग टंकी का B+C ने 48 घंटे में भरा है, तो B+C टोटल भाग कितने में भर देगी, 48/2/3। आप इनको कैंसिल कर दीजिए यहां से, क्या कैंसिल कर दीजिए, देखिए समझिएगा फ्रेंड, बिल्कुल इजी सा सम है। जब आप 48 बटे करोगे, क्या करोगे, 48/2/3 करोगे, तो 3 तो नीचे रह जाएगा, सॉरी 2 नीचे रह जाएगा और 3 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 और 24 × 3 = 72, ठीक है, तो 72। यानी कि सी नल है ना, यानी कि ए बी दोनों मिलके टंकी को 72 घंटों में भर सकते हैं और ए बी सी तीनों मिलके 36 घंटों में भर सकते हैं। देखिएगा आप समझिएगा, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ तक तो आपको आ गए होगा आई थिंक सो समझ में, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, देखिए फ्रेंड समझिएगा। अब देखो ए जमा बी दोनों मिलके कितना 72 भाग भरते हैं टंकी का, 72 भाग, और ए जमा बी जमा सी ये तीनों मिलके 36 मिनट में भर देते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 72 + 72 = 36 × 72। अब समझो तीनों मिलके एक मिनट में 2 भाग भरते हैं और ए जमा बी दोनों एक मिनट में 1 भाग भरते हैं, जो तीसरा सी है ना वो कितना भरेगा, भाई ए बी सी तीनों 2 भाग भर रहे हैं, ए बी उसमें से 1 भाग भर रहा है, तो 1 भाग सी भर रहा है एक मिनट में, सी एक मिनट में 1 भाग भर रहा है, तो 72 भाग कितने, टोटल तो अपने 72 भाग हैं, तो 72 भाग कितने मिनट में भरेगा, तो 72/1 यानी कि 72 ही मिनट में भर देगा। आई थिंक सो मैं ये सम आपको समझा पाया, देखिए समझ लीजिए इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि भाई ए बी सी तीनों मिलके एक टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है, 12 मिनट तक तीनों को चला गया, ठीक है, तो एक मिनट में कितना भर देंगे, 1/36, तो 12 मिनट में कितना भर देंगे, 12/36 यानी कि 12 + 36 1/3 भाग, जो आपका रिमेनिंग भाग है वो 2/3 भाग है, 2/3 भाग कौन सा, बी और सी भरते हैं, क्योंकि उसके बाद सी को बंद कर दिया गया था, बी और सी 2/3 भाग कितने मिनट में भरते हैं, 48 मिनट में भरते हैं, तो बी और सी पूरा भाग कितने मिनट में भर देंगे फ्रेंड, 72 मिनट में जो है पूरा जो है फिल कर देंगे। अगर बी और सी 72 मिनट में फिल कर देते हैं और ए बी सी तीनों मिलके 36 मिनट में कर देते हैं, तो यहां पे सी कितना मिनट में, एक मिनट में कितना पार्ट फिल करता है, एक पार्ट, और 72 पार्ट टोटल हैं, तो 72 मिनट में आपकी जो है ये टंकी फिलअप हो जाएगी। और तो 48/ कितना किया था हमने, वो कितना बचा था आपका, यानी कि हमने किया था यहाँ पे कितना बचा था वो 2/3 भाग, 48/2/3 तो मल्टीप्लाई 3, 2 से किया था, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6 = 7, 72। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया। देखिए 15 सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ईजी सम था। देखिए 15 सम क्या कहता है,
तीन नल हैं ए बी और सी किसी टंकी से जुड़े हैं। ए और बी एक साथ टंकी को 60 मिनट में भर सकते हैं, बी और सी 40 मिनट में भर सकते हैं, सी और ए ये आपका शायद 30 मिनट है, ये 30 मिनट में भर सकते हैं। तो कितने समय में प्रत्येक नल टंकी को अलग अलग भर सकता है? देखिए बिल्कुल इजी सा सम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो समझ लीजिए ए जमा बी, बी जमा सी एंड सी जमा ए। देखिए ए बी दोनों, ये ए बी हैं, ए बी दोनों 60 मिनट में भर सकते हैं, 60 मिनट में। बी सी, बी सी कितने मिनट में? 40 मिनट में। और सी ए कितना? 30 मिनट में भर सकते हैं। तो फ्रेंड इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, यहाँ पे 120। तो कैंसिल कर दीजिए, 6 दूनी 12, 4 तीय 12 और 3 चौके 12, ठीक है। यानी कि ए जमा बी जमा बी जमा सी जमा सी जमा ए का एक मिनट में कितना भाग भरेंगे? ए जमा बी दोनों मिलके दो भाग भरते हैं, बी जमा सी एक मिनट में जो है आपका तीन भाग भरते हैं, ये चार भाग भरते हैं सी ए। तो ये देखो ए टू टाइम्स है, सी टू टाइम्स है, बी टू टाइम्स है, तो लिख सकते हैं इसको, टू बाहर ले लीजिए, ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 4 और 3 7 और 2 9 बटे, अगर इस दो को ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि आपके पास मिल गया एफिशिएंसी ए जमा बी जमा सी तीनों मिलके एक मिनट में 9/2 भाग भर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। अब देखिए फ्रेंड क्या करते हैं, बिल्कुल इजी सा सम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ तक हम निकाल चुके हैं कि जो आपका ये है, ठीक है, जो आपका ए जमा बी जमा सी है तीनों मिलके एक मिनट में 9/2 भाग भर सकते हैं, बट अपना पता है यहाँ पे कि बी प्लस सी ये दोनों मिलके एक घंटे में एक मिनट में कितना भाग भरते हैं? 2। यानी कि यहाँ पे 2 रख लीजिए, बी प्लस सी इसको रिप्लेस कर दीजिए 2 में, प्लस सी इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू 9/2 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4, 9 में से 4 गया, 5/2 बच जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो आपका टोटल था ये 120 यूनिट था, 120 को आपने किस तरह डिवाइड करना है? 5/2 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20 × 2 24 × 2 = 48। बिल्कुल सिमिलरली बी और सी, यहाँ पे बी और सी की वैल्यू कितनी रख दीजिए? 3, ये आपका 3 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/2 - 3। इसका जो भी आंसर आए ना, 9/2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 3 × 6 = 3/2, तो 120 को 3/2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका यहाँ पे ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है फ्रेंड। देखिए बी सी की रखोगे सी की निकलेगी, बी सी की रखोगे ए की वैल्यू निकलेगी, सी ए की रखोगे तो यहाँ से बी की वैल्यू निकलेगी। बिल्कुल इजी सम था ये आपका, 16 सम है। देखिए 17 सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सम था ये। देखिए 17 सम क्या कहता है, तीन नल ए बी सी किसी टंकी से जुड़े हैं, ए बी एक साथ टंकी को 12 घंटों में, बी सी 20 घंटों में, सी ए 15 घंटों में भर सकता है, तो कितने समय में टंकी को अलग अलग भर सकते हैं? अलग अलग निकालना, बिल्कुल जैसे 16 सम था ऐसे ही बिल्कुल 17 सम है, इसको भी समझ लीजिए आप। देखिए क्या कहता है, यहाँ पे ए प्लस बी किसी टंकी को कितने टाइम में भर सकता है? ए बी 12 घंटों में, बी प्लस सी कितने घंटों में भर सकता है? 20 घंटों में, और सी प्लस ए कितने घंटों में भर सकता है? 15 घंटों में, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए फ्रेंड, यहां से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? आपका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। तो देखिए 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60, 15 × 4 = 60, ठीक है। अब देखो समझो आप, ए टू टाइम्स है, बी टू टाइम्स है, सी टू टाइम्स है, तो यहाँ 2 टाइम्स अगर इन सब इक्वाइड कर लें, ए जमा बी जमा सी, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और 3 7,
सात और तीन दस और दो बारह के इक्वल, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बारह बटे दो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, छः। ठीक है, यानी कि तीनों मिलके एक घंटे में कितना पार्ट भर सकते हैं, छः यूनिट भर सकते हैं। अब देखो, अब ए जमा बी जमा सी तीनों मिलके छः यूनिट भर सकते हैं। ए बी कितने यूनिट भरता है, पाँच यूनिट भरता है, तो ए बी का मान पाँच टेक लो, तो सी का मान कितना आ जाएगा, छः माइनस पाँच इज इक्वल टू एक। यानी कि सी है ना, एक घंटे में एक यूनिट भरता है, अपने पास टोटल यूनिट साठ है, तो साठ यूनिट कितने घंटे में भर देगा, साठ बटा एक मतलब साठ घंटे में। इसी प्रकार बी सी की वैल्यू रख लीजिए, बी सी की वैल्यू तीन रख लीजिए, छः में से तीन गया तीन, यानी कि ए का मान कितना आ गया तीन, ए एक घंटे में तीन यूनिट भरता है, तो 60 यूनिट कितने में भर देगा, 20 घंटे में भर देगा, क्योंकि 60 बटा जब आप तीन करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। इसी प्रकार जो अगर आप सी ए की वैल्यू रख दीजिए, सी ए की वैल्यू कितनी रख देंगे, चार रख देंगे, तो आपकी बी की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि 6 माइनस चार दो, 60 बटे दो 30, यानी कि आपका जो है यहाँ से आप सेपरेटली निकाल सकते हैं, सी ए की वैल्यू रखेंगे तो बी आपका जो है टाइम निकल जाएगा कि वो कितने टाइम में, यानी कि 30 मिनट में, 30 घंटे में टंकी को जो है फिलअप कर सकता है। देखिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, 17 सम बिल्कुल इजी सम था। 18 सम देखिए क्या कहता है, दो नल किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 10 घंटे में 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को टंकी भरने के लिए खोला जाता है, लेकिन जब टंकी का 1/6 भाग भर जाता है तो एक सुराख प्रकट हो जाता है, जिससे होकर दोनों नलों द्वारा प्रवाहित पानी का 1/6 भाग बाहर हो जाता है। पूरी टंकी भरने का कुल समय निकालें। देखिए बिल्कुल इजी सा समय, पहले सेपरेट देख लीजिए आप कि भाई एक 10 घंटे में भर सकता है, बी उसको 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जब 1/6 भाग भर जाता है टंकी का तो एक सुराख प्रकट हो जाता है, 10 और 15, चलिए इसको करते हैं, ए 10 घंटों में भर सकता है, बी भर सकता है 15 घंटों में। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 30 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ए 15 में, यहाँ पे लिख लीजिए ए 15 में 10 में। ठीक है, तो 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 दूनी 30, 10 दिया 30। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या है कि भाई टोटल टंकी में 30 यूनिट पानी है, जब टंकी का 1/6 भर गया था, 1/6 मतलब 6 × 5 = 30, 5 भाग भर गए थे, तो तब सुराख प्रकट हो गया। ठीक है, अब आप समझिए, 3 और 2 = 5, 5 यूनिट एक घंटे में भरी जाती है, किसकी, टंकी की। देखिए एक घंटे में अगर ए नल है, ये बी नल है, एक घंटे में 2 यूनिट ए नल भरता है, बी नल भरता है 3 यूनिट। ठीक है, तो दोनों के दोनों एक घंटे में कितने यूनिट भरते हैं, 5 यूनिट। आई थिंक सो यहाँ तक मैं आपको समझा पाया। अब देखिए फ्रेंड क्या कहता है कि भाई जब टंकी का 1/6 भाग भर गया, यानी कि टोटल कितनी यूनिट पानी था टंकी के अंदर, टोटल 30 यूनिट पानी था, 30 यूनिट का 1/6 कितना है, यानी कि 5 यूनिट टंकी की भर गई थी, टाइम कितना लग चुका था, एक घंटा, क्योंकि एक घंटे में दोनों 5 यूनिट भरते हैं, तो 5 यूनिट टंकी की पानी भर गई थी, और टंकी में थे टोटल 30 यूनिट, तो 25 यूनिट पानी भरने रह गए थे उसके बाद, तो 25 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम लगा होगा अब आगे, और चूंकि 1/6 पार्ट पानी का बाहर भी निकल चुका था। अब समझिए 30 का अगर 1/6 करें टोटल पानी का, तो ये 5 यूनिट हो गए। ठीक है, अब देखिए 25 यूनिट भरने थे, 5 यूनिट पानी बाहर निकल गया, तो टोटल अभी भी 30 यूनिट भरनी है, तो दोनों के दोनों मिलकर एक घंटे में कितने यूनिट भर सकते हैं, 5, तो 30 यूनिट 6 घंटे में भरेंगे, और एक घंटा पहले चल पड़े थे, तो टोटल इसका 7 घंटे आंसर आ जाएगा। तो समझिए मैं दोबारा फिर बता देता हूँ क्या कहता था स्टेटमेंट में, कि भाई एक ए है, वो एक नल है जो टंकी को 15 घंटों में भर सकता है, बी 10 घंटों में, मिनटों में मिनटों कर लीजिए, घंटों में घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आंसर आपका डिपेंड करेगा, मिनट में होगा तो मिनट में आ जाएगा, घंटों में होगा तो घंटों में हो जाएगा। तो कहता है एक ए एक नल को 15 घंटों में भरता है, बी 10 घंटों में भरता है, जब टंकी का 1/6 भाग जो है पार्ट भर गया था, उसके बाद एक छेद प्रकट हो जाता है, जो कि 1/6 पार्ट भरने के बाद
1/6 पार्ट टोटल पानी का, यानी कि टोटल 30 यूनिट थे, 30 यूनिट का 1/6 पार्ट बाहर निकाल देता है। समझिए 1/6 भाग पानी भर चुका था पहले, 30 का 1/6 पार्ट करोगे तो 5 भाग, यानी कि 5 भाग भरने के बाद जो है टंकी में छेद प्रकट हुआ। अब देखो ए एक घंटे में 2 यूनिट भरता है, बी 3 यूनिट भरता है, टोटल एक घंटे में ये दोनों के दोनों मिलकर 5 यूनिट भरते हैं, बट 5 यूनिट भरने के बाद सुराख प्रकट हुआ था, इट मीन्स एक घंटा चल चुका है वो, अब 25 यूनिट भरने हैं। अब वो कितना खंडा होगा, वो टोटल का 1/6 खंडा होगा, टोटल कितना था 30, 30 का 1/6 कितनी होगी 5 यूनिट, यानी कि 25 यूनिट तो भरनी थी क्योंकि टंकी में कितना था टोटल 30 यूनिट था, 5 यूनिट पहले भरी चुकी थी, अब सुराख हो गया, भरने थे 25, 5 यूनिट वो निकाल लगा तो 25 और 5 30 यूनिट भरनी है, दोनों के दोनों मिलकर एक घंटे में 5 यूनिट करें तो 30 यूनिट दोबारा से 6 घंटे में भरेंगे और एक घंटा पहले चली चुका था, तो आपका 7 घंटे जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, ये बिल्कुल ईजी सम था। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है आपका, यह आपका 20वां सम है। एक टंकी सामान्यतः 4 घंटों में भरती है, लेकिन टंकी की पैंदी में सुराख की वजह से भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, अब समझिएगा, 4 घंटों में भरते हैं, एक टंकी सामान्यतः 4 घंटों में भरती है, यानी कि कोई ए है ना उसको 4 घंटों में भर सकता है, जब उसकी पैंदी में सुराख हो गया ना तब 1 घंटा उसको एक्स्ट्रा लगा, यानी कि 5 घंटे लगे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपका 20, 4 × 5 = 20 और 5 × 20। समझिएगा, ए है ना एक घंटे में 5 यूनिट भर सकता था, ठीक है, एक घंटे में 5 यूनिट भर सकता है, जब ए बी यानी कि सुराख भी साथ में चला है, पानी निकल रहा है यहाँ से, फिर 4 यूनिट भर रहे हैं, इट मीन्स एक यूनिट खिंडा रहा है यू एक घंटे में, यानी कि यू 5 यूनिट भरेगा, ठीक है ए, बट बी है ना एक यूनिट खिंडा होगा क्योंकि दोनों के द्वारा काम एक घंटे में 4 ही यूनिट हो रहा है, तो यहाँ कॉमन सेंस है कि भाई एक यूनिट पक्का खिंड रही होगी, क्योंकि भाई आप समझो एक घंटे में ए 5 यूनिट भरेगा, ये बात सच है, ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट ए बी जब सुराख भी चल रहा है, जब 4 यूनिट भर रही है, तो वो एक यूनिट कहाँ जाएगी, वह खिंडा होगा एक घंटे में, यानी कि जो सुराख है ना एक घंटे में एक यूनिट खिंडा होगा, तो 20 यूनिट कितने घंटे में खिंडा देगा, एक घंटे में एक तो 20 यूनिट 20 घंटे में खिंडा देगा, अगर सुराख को खाली छोड़ दिया जाए ना तो 20 घंटे में आपकी टंकी जो है खाली हो जाएगी। फ्रेंड देखिए इस वीडियो में ये 10 सम ही कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 10 सम का और पैकेज, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 3 वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। देखिए फ्रेंड अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स गे।